आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आप लोगों से मतलब हर उस एक अभ्यर्थी से है जो कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहा है 17 अगस्त से, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी जिसमें एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2019 था, इसका एक पॉइंट था जिसको सही से ना पढ़ने के कारण अगर आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच भी जाते हैं तो हो सकता है, पॉसिबली सबके साथ हो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के साथ हो सकता है कि उनको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया जाए, उनको एग्ज़ाम देने ना दिया जाए। कारण क्या है और उसको आपको समझाता हूँ और बता भी देता हूँ। देखिए, इस नोटिस में जो पॉइंट नंबर फाइव, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। मैं आपको पूरा बता देता हूं पॉइंट नंबर फाइव क्या है। देखिए, पॉइंट नंबर फाइव में लिखा है, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रायर टू एंट्री इन द एग्जाम हॉल। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल आधार कार्ड। देखिए, ये जो मेन मुद्दा है ना कि कैंडिडेट से कहा गया है कि आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर आए, इसका एक मेन कारण है। जितने भी अभी तक मैं आपको बताऊं तो NTPC CBT 2 में भी बच्चों से ये कहा गया था कि आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर आए, और ओरिजिनल आधार कार्ड मंगवाने का परीक्षा एजेंसी का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, ताकि वो नकल को अवॉइड कर सके। अब होता क्या था, कई बार ऐसा हुआ है पिछली परीक्षाओं में भी देखा गया है कि रिटर्न एग्जाम देने कोई और जा रहा है, अगर PET है, दौड़ वाला सिस्टम है, तो PET देने कोई और बच्चा चला जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपसे एग्जाम सेंटर में आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट डिमांड की गई। अब कई बार ये होता है कि आधार कार्ड में भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेन मुद्दे की बात मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, कि आधार कार्ड में भी फोटो स्पष्ट ना होने के कारण, मेन मुद्दा यही है कि वो आपसे आपकी फोटो को मैच कराएंगे। कई बार आधार कार्ड में फोटो स्पष्ट ना होने के कारण यदि आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ले भी जाते हैं तो भी ये पॉसिबल चांसेस हैं कि आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम ना देने दिया जाए। और उस वक्त की स्थिति की, कोई बच्चा एक सिटी से दूसरे सिटी गया और अगर उसको एग्जाम देने को नहीं मिलता है तो एक बड़ी दुखदायक बात होती है, कष्टकारी बात होती है। तो इसी चीज के लिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूं कि आप सभी को, सभी बच्चों को, कुछ की फोटो साफ होगी कुछ की नहीं होगी, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक काम कर लीजिए जो कि इस नोटिस पॉइंट नंबर फाइव में बिल्कुल वैलिड है। आप अपनी एक वर्चुअल आईडी क्रिएट कर लीजिए। वर्चुअल आईडी आपको कैसे क्रिएट करनी है, गूगल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पर जाना है। जब आप गूगल पर चले जाएंगे तो यहां आप लिखिएगा आधार कार्ड। क्या लिखेंगे आप? आधार कार्ड। मैं आपको करके दिखा देता हूं। आपने लिखा यहां पर आधार कार्ड। आधार कार्ड पर क्लिक करने पर आपका जो पहला इंटरफेस खुल के आता है जिसमें लिखा है होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें आपको माई आधार पर, किस पर? माई आधार, जो कि लिखा हुआ आपको सामने दिख रहा है, माई आधार पर ही आपको जाना है। माई आधार पर, माई आधार पर जाने के बाद, ये है माई आधार, इस पर जाने के बाद आप इस पर नीचे आइए। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, माई आधार के बाद आप इस पर नीचे आ जाइए। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा आधार सर्विसेज। क्या लिखा है? आधार सर्विसेज। इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को और बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसमें लिखा है आधार सर्विसेज, इस पर आप क्लिक करिए। आधार सर्विसेज पर, आधार सर्विसेज पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद नीचे चलेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपके पास लिखा होगा आधार लॉक अनलॉक, यहां पर आप क्लिक कर लीजिए। आधार लॉक अनलॉक पर, जब आप आधार लॉक अनलॉक पर क्लिक कर लेंगे तो एक ये आपके पास इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें नीचे लिखा होगा नेक्स्ट, आप इस नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा।
जब यहां पर आप आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक आधार का, एक मिलेगा अनलॉक आधार का। आप अनलॉक आधार पर क्लिक करिएगा और यहां पर फिर जैसे ही आप अनलॉक आधार पर क्लिक कर देंगे आपको मांगेगा कि एंटर वर्चुअल आईडी। अब यहां पर आपको अपनी वर्चुअल आईडी क्रिएट करनी है। अब बात यह आती है कि सर ये वर्चुअल आईडी कहां से मिलेगी, इस वर्चुअल आईडी को जनरेट कैसे करेंगे, इसको भी आपको बता देता हूं कि ये वर्चुअल आईडी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी कि अगर आपके फ़ोटो आधार वगैरह में सही नहीं भी है ना तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए आपकी वर्चुअल आईडी कहां से जनरेट होगी, आप फिर से वापस आ जाइए इस पर और यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, जनरेट वीआईडी का। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, वीआईडी का मतलब वर्चुअल आईडी, आप इस पर क्लिक कर लीजिए, नीचे आ जाइए। यहां पर लॉक अनलॉक आधार पर आ जाइए, और यहां पे लिखा है देखिए क्लिक हियर टू जनरेट वीआईडी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहां पर आप अपनी आईडी वीआईडी जो वर्चुअल आईडी है उसको जनरेट कर पाएंगे। कैसे जनरेट वीआईडी, अगर आपके पास नई आप बना रहे हैं तो जनरेट कर लीजिए, अगर आप अपनी पुरानी वर्चुअल आईडी को दोबारा पाना चाहते हैं तो यहां पर रिट्रीव वीआईडी है। अब जनरेट वीआईडी में यहां पर आप क्लिक करेंगे, आपके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर मांगेगा, फिर ई कैप्चा आपको डालना होगा, एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी जब आ जाएगा तो आपकी वर्चुअल जो आईडी है ना वो क्रिएट हो जाएगी 16 नंबर की। अब होगा क्या कि बाय चांस आप इसको लेकर गए, आधार कार्ड लेकर गए, आपके पास आपकी वर्चुअल आईडी भी है, आपके आधार कार्ड में सेंटर पर आपकी फ़ोटो आपके साथ आधार कार्ड की फ़ोटो से मैच नहीं हो रही। अब आपने कहा सर अगर मैच नहीं हो रहा, उन्होंने कहा मैं आपको एंटर नहीं होने दूंगा, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए, अगर फोटो मैच नहीं हो रही तो मेरे पास मेरी वी आई डी है वर्चुअल आई डी, आप उसको डाल कर देख लीजिए। आप उसको डालेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा और ऑफिशियल नोटिस जो है ना उसका पैरा नंबर 5 लोग ऊपरी सतह से उसको बता दिया है उन्होंने, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात थी, जो सतही बात थी, वो उन लोगों ने आप तक फिलहाल नहीं पहुंचाई। अगर आप ये सब करने में असमर्थ हैं तो आप साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ पर इसको आराम से जनरेट करा लीजिए ताकि आप जब 17 तारीख को किसी दूसरे शहर में पेपर देने जा रहे हो तो वहाँ से आपको वापस ना आना पड़े। ठीक, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसी छोटी छोटी जानकारियों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। यदि आपका कोई प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो सपोर्ट नंबर है 9369880746, उस पर कॉल करिए, और अगर भी कोई जानकारी चाहिए तो सपोर्ट नंबर पर कॉल करके आप उससे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।